ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक मतलब था कि जो इस मामले ये जो हालात चल रहे हैं इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। जो नीडी पर्सन है, जो बेचारे बेरोज़गार हैं, इस टाइम घरों में बैठे हुए हैं, कुछ खा नहीं सकते हैं, कुछ ले नहीं सकते हैं, तो ये उनकी मदद की जा रही है। तो अगर कोई अगर किसी की मदद करना चाहता है तो उसकी ज़रूर मदद करे। बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों को राशन प्रोवाइड किया जा रहा है, मदद की जा रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रहनुमाई की जाए, जिसमें हमारे पास काफ़ी भाई हैं जिन्होंने फंड भी दिए हैं हम लोगों को, ठीक है। और ये किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये इंसानियत है, एक दूसरे के साथ सबका ख्याल रखने के लिए कर रहे हैं कि सबकी अल्लाह ताला इस काम में बरकत डालें। जिसमें ज़ीशान भाई हैं हमारे, ज़ीशान भाई से मेरी मुलाकात हुई थी शाम को, तो उन्होंने बड़ी मदद की है माशाल्लाह से। और साथ कमर भाई हैं, वसीम भाई हैं, काफ़ी लोग हैं जो इसमें हिस्सा डाल रहे हैं, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जितनी हमें तौफीक दी हम लोग भी कर रहे हैं। तो बाकी अल्लाह ताला बेहतर करे जी, अल्लाह ताला हम पे ये जो अजाब आया उसको ख़त्म कर दें, मुश्किल वक्त आया उसको ख़त्म कर दें। लोग बाहर देखें हालात किस तरह के हैं, लोगों को देखें ना आंसू निकल रहे हैं, क्या करें। बस अल्लाह ताला से ही मदद मांग रहे हैं, अल्लाह ताला ही हमें। सिर्फ जी ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि लोगों तक ये रहनुमाई हो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना हिस्सा डालें, लोगों की मदद करें। दिखाने का मतलब सिर्फ यही है, ये नहीं है कि जी हम किसी की मदद कर रहे हैं। ये सबका हक बनता है जो मुहैया हजरात हैं, ठीक है, जो किसी की मदद कर सकते हैं ऑलरेडी, तो वो भर चढ़ के हिस्सा डालें। ये दिखाने के लिए नहीं बनाई जा रही वीडियोस, दिखाने का सिर्फ ये ज़रिया है ताकि शायद हमारी वजह से किसी की मदद हो जाए और कोई सुन ले इस वीडियो को और किसी की मदद कर सके वो।